बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि दिलीप कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। दिलीप कुमार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर है कि दिलीप कुमार को फेफड़े में संक्रमण के चलते हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिनेता की हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि इसी के शुरुआत में दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत में सुधार आने के बाद दिलीप कुमार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। बता दें कि दिलीप कुमार को द्विपक्षीय प्लूरल इन्फ्यूज़न का पता चला था, जिसके बाद बुधवार को उनके फेफड़े से पानी निकालने के लिए एक प्रक्रिया पूरी की गई। उनके फेफड़ों से 350 मिलीलीटर पानी निकाला गया था। डॉक्टर नितिन गोखले और डॉक्टर जलील पारकर की देखरेख में ये सर्जरी की गई थी और बाद में फिर उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन अब अचानक फिर से ये खबर आई है कि दिलीप कुमार को फिर से एडमिट किया गया है, लंग्स में फिर से इन्फेक्शन हो गई है। जी हाँ, फिर से फैंस की चिंता बढ़ गई है। फैंस फिर से उदास हो गए हैं कि अचानक फिर से दिलीप कुमार को भर्ती कराया गया है। जी हाँ, दिलीप कुमार की उम्र काफ़ी हो चुकी है, जिसके कारण उन्हें बार बार ये तकलीफ हो रही है। हम आशा करते हैं कि दिलीप कुमार जल्द ही ठीक होकर अपने घर वापस चले जाएं। जी हाँ, फिलहाल के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सिर्फ एक रिपोर्ट।